वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे जेटेड मेंस रिलेटेड कुछ नए अपडेट्स जो सामने निकल कर न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिल रही है। क्या कुछ खास है, पॉइंट बाय पॉइंट इस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें अगर चैनल में नए हैं तो, और साथ ही साथ आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करके, जिसमें आपको यहाँ पे क्लासेस होने वाली ऑनलाइन लाइव क्लासेस के सारे नोट्स, जो चाहे जेटेट पीटी हो, जेटेट मेंस हो या सीटेट हो, सारे अवेलेबल यहाँ पे कराई जाती है और आप उसको जो है नोट्स को ले सकते हैं, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, राज्य के प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में 50,000 पदों पर नियुक्ति जल्द होगी, ऐसे यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है। और ये प्रस्ताव, पहले मैं बता दूँ, शिक्षा जो है विभाग के द्वारा पास की गई थी, फिर उसको कैबिनेट में भेजा गया था प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए। और ये खुशी की बात है कि प्रस्ताव जो है 38 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति, जिसमें से ये एक प्रस्ताव भी स्वीकृत कर दी गई है। तो जो कैंडिडेट हैं जेटेट पीटी पास करके मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी ली जा सकती है, इंतज़ार मत कीजिए। क्या कुछ खास है और चलिए डीपली में जानते हैं इसे। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्राथमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20,825 पद और मध्य विद्यालयों में यानी कि 6 to 8 के लिए 29,175 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। इस तरह कुल 50,000 पदों की यहाँ पे जो है स्वीकृति दी गई है बहाली के लिए। ऐसे में इन पदों पर सरकार नियुक्ति करेगी। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 38 प्रस्तावों को जो है स्वीकृति दी गई यानी कि मिली है। तो 50,000 कुल यहाँ पे जो है पदों की नियुक्ति की जाएगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और क्या कुछ खास यहाँ पे आप देख सकते हैं दी गई है। राज्य में पहली बार इतनी बड़ी संख्याओं में पदों का हुआ सृजन, यानी कि इससे पहले नहीं हुआ था, ये पहली बार जताई जा रही है उम्मीद की बड़े तादाद में 50,000 पदों पर जो है सृजन यानी कि नियुक्ति करने का जो है निर्णय लिया जा रहा है। राज्य में पहली बार एक साथ 50,000 पद का सृजन किया गया। प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में अब तक शिक्षकों की नियुक्ति सहायक शिक्षक के नाम से की जाती थी, अब शिक्षक सहायक आचार्य के नाम से जाने जाएंगे। विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति सहायक आचार्य के पद पर होगी। 50,000 सृजित पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जो है तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रथम चरण में कहा जा रहा है आधे से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके बाद जो है जेटेट यानी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाएगी, ताकि वर्ष 2016 के बाद जितने भी टीचर्स ट्रेनिंग में सफल विद्यार्थी हो चुके हैं यानी कि पास कर चुके हैं टीचर्स ट्रेनिंग को, तो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का जो है अवसर जो है मिल सके, ऐसा उम्मीद यहाँ पे जताया जा रहा है। राज्य में अब प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली जाएगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होंगे। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को अब 25,500 भी सरकार द्वारा दे अन्य भत्ता भी अन्य वे मध्य विद्यालय में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक को 28,200 भी सरकार द्वारा दे अन्य भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी खास न्यूज़। तो जो भी कैंडिडेट हैं जेटेट मेंस और साथ ही साथ जेटेट पीटी की तैयारी जो कर रहे हैं, जिन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग क्वालिफाई कर लिया है, और जो जेटेट पीटी की तैयारी कर रहे हैं, और जो पीटी जेटेट क्वालिफाई कर चुके हैं, जेटेट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग आप लोग जम के लग जाइए, क्योंकि किसी की भी जो है यहाँ पे खासकर उम्मीद जताया जा रहा है कि जेटेट भी लिया जाएगा, साथ ही साथ जेटेट मेंस भी यानी कि पीटी भी मेंस भी, तो दोनों का यहाँ पे संभावनाएं जताई जा रही है। तो आप लोग दोनों ही अपने तैयारी की ओर रुख करिए और ज़ोर शोर से तैयारी में लग जाइए। ठीक है,
साथ ही साथ हमारे चैनल के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस भी कराई जाती है कंडक्ट, चाहे वो जेटेट की क्लास पीटी की हो या फिर मेंस या फिर सीटेट। और आपको टेलीग्राम के माध्यम से इनके ऑल नोट्स जो है पढ़ाया हुआ सारा आपको सब्जेक्टिव एंड पैटर्न बेस्ड जो भी है नोट्स अवेलेबल करा दी जाती हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे फ़ी 299 ओनली पर मंथ लगेगी, ठीक है। जैसे आप पढ़ेंगे वैसे आप दे जो है पे करेंगे, इसमें कोई झंझट नहीं है। जिनको जब तक अगर एग्ज़ाम नहीं निकलता है वो पढ़ सकते हैं, और एग्ज़ाम यानी कि टीचर बन जाएंगे तो ये तो खुशी की बात होगी, इसके बाद तो फिर है ना। तो जो भी है तो आपको यहाँ पे इतना लगने वाला है, और यहाँ पे फ़ोन नंबर भी है, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं वो क्लास के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए। तो यहाँ पे क्लास जो है आपको हर सब्जेक्ट की मिलने वाली है। और साथ ही साथ मैं ये बता दूँ कि कल से जेटेट पीटी और मेंस की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, साथ ही सीटेट की भी, ठीक है। तो आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप सब्सक्राइब करके चैनल को कर सकते हैं, साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। पसंद आए वीडियो तो ज़रूर लाइक शेयर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और नए इन्फॉर्मेशन के साथ, शायद इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।